हेलो भाई, मैं हूं नवीन मालवीय और आज हम रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली मेटियोर के बारे में बात करेंगे, मेटियोर 350 के बारे में। तो सारी स्पेसिफिकेशन, वॉक अराउंड, माइलेज और ऑन रोड प्राइस सब कुछ इस वीडियो में मैं रखूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। करते हैं सामने से शुरू। तो सामने आपको सिंपल हेलोजन हेडलाइट मिल जाएगा और आप देख सकते हो हेलोजन में ऑरेंज कलर में साइड टर्न इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। डुअल सस्पेंशन सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। नीचे नंबर प्लेट एरिया भी आपको दिया गया है और साइड लुक कुछ इस टाइप का दिखता है। वॉक अराउंड भी सारा है मैं इस गाड़ी का पूरा दूंगा, तो आप देखते रहिए। सस्पेंशन सेटअप पे रिफ्लेक्टर भी दिए गए दोनों ओर और मेटल में ही रॉयल इनफील्ड जिसके नाम से जानी जाती है तो वो मेटियोर में बरकरार भी रखी है और है भी। मेटल में आपको इसका मडगार्ड मिल जाता है, नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS और डिस्क ब्रेक भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं टायर साइज़ की। तो टायर साइज़ आपको मिलता है 100x90 सेक्शन के टायर विथ 19 इंचेस अलॉय व्हील के साथ में। अलॉय व्हील कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाते हैं और देख सकते हो आप साइड लुक इसका। बात करें टैंक की तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। टैंक पर रॉयल इनफील्ड की बैजिंग भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस टाइप से दिखती है। साइड लुक इसका देख लीजिए। साइड ग्लास की बात करें तो सिंपल आपको प्लास्टिक फाइबर में साइड ग्लास देखने को मिल जाएंगे। और बात कर लेते हैं हैंडल कंसोल की तो सिंपल आपको यहाँ पर लाइट के स्विचेस मिल जाते हैं, इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। इधर साइड में आपको इंजन स्टॉप बटन और सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ इस टाइप से इसका लुक है। बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो सिंपल कुछ इस टाइप का दिखता है। रॉयल इनफील्ड की यहाँ पर बैजिंग आ जाती है, टाइम वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आपको सिंपल ही यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। ट्रिप है, ट्रिप भी, किलोमीटर, RPM और स्पीड सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का हैंडल भी मिल जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको DRL भी इस बाइक में देखने को मिल जाएगा जो कि सामने से कुछ इस टाइप से लगता है और बढ़िया दिखाई देता है, बिल्कुल सामने से अच्छी दिख रही है गाड़ी। बात कर लेते बाजू से तो बाजू में भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। सिंपल टूल किट बॉक्स पे मेटियोर 350 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और ये कुछ साइड लुक बाइक का, तो आप देख सकते हो पीछे की तरफ टेल लाइट आपको देखने को मिलेगा, नंबर प्लेट एरिया देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा और सिंपल दोनों साइड इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ सस्पेंशन सेटअप, डुअल सस्पेंशन सेटअप और सॉरी मैंने सिंगल चैनल बोला था, डुअल चैनल ABS आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, डुअल डिस्क आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। और फुट रेस्ट भी आप देखिए, रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है देखने को। टायर साइज बताऊँ 140x70 और 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में ये गाड़ी आती है और डुअल सीट आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 20.4 BHP के पावर और 27 Nm टॉर्क, जो कि बाइक की पावर के हिसाब से, बाइक के लुक के हिसाब से और बाइक की इंजन के हिसाब से बहुत शानदार है भाई। और अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस टाइप का लुक आता है बाजू से। रेडियम की पट्टी भी मिल जाती है जो कि पीले कलर में, टैंक से मैचिंग कलर में आपको इसमें रेडियम पट्टी मिल जाती है पीछे की तरफ भी और सामने की तरफ भी, जो कि लुक वाइज कुछ इस टाइप से दिखती है। सारा वॉक अराउंड आपको मैंने दे चुका हूँ, फिर से दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। सामने की तरफ में आपको DRL देखने को मिल जाता है जो कि किसी भी सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड की बाइकों में देखने को नहीं मिलता है।
अब बात कर लेते हैं मेटियोर 350 के डायमेंशन की। तो आपको 170 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाती है। 1140 mm मतलब 1140 mm की आपको हाइट बाइक की देखने को मिलेगी। 2090 mm की आपको लेंथ मिलेगी देखने को। 1400 mm की आपको व्हील बेस देखने को मिलेगा और 845 mm का विड्थ आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी। इस बाइक की एक शोरूम प्राइस की बात करें तो लगभग ये आ जाती है, एक शोरूम प्राइस की बात करें तो ये लगभग पड़ जाती है 2,02,000 के लगभग। और RTO इंश्योरेंस और अदर कॉस्ट आपको लग जाता है लगभग 25,000 या 26,000। और ये ऑन रोड पड़ जाती है लगभग 2,27,000। तो एक प्रकार से कहा जाए तो बुलेट क्लासिक के बराबर इसकी प्राइस है। और एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आप राइडिंग क्वालिटी चाहते हो, बुलेट की तरफ से कंफर्ट चाहते हो तो ये बाइक की तरफ जा सकते हो, जो कि बहुत शानदार है। देखने की भी आप लुक भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार है। और लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है बाइक, कई लोग इसे लेना पसंद करते। साड़ी गार्ड वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इस साइड भी मेटियोर 350 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और ये कुछ प्लास्टिक एरिया इसमें देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।